Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था उसके बाद से हमारे देश के जितने भी काम थे, चाहे वो बड़े स्तर के हों या फिर छोटे स्तर के हों, ये सारे काम जो है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गए और वो जो का सारे काम थे वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए। लेकिन अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो अपनी फैमिली को एक प्लानिंग के तहत ले जाते हैं कि कब हमें क्या करना है, कब हमें घर लेना है, कब हमें बच्चा पैदा करना है, कब हमें शादी करनी है। इस प्रकार की जो प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड स्टार्स के पास होती है, क्योंकि उनके पास एक सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं कि वो जो है किसी भी हाल में पैसा कमा लेंगे और इस चीज को वो बिल्डअप कर लेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन में जैसे ही स्थिति गंभीर बनी, लॉकडाउन लगा, तो हर कार्य में कहीं ना कहीं मंदी आ गई। चाहे वो एक्टिंग की बात करें, चाहे सिंगिंग की बात करें, स्टेज शोज की बात करें, या फिर बिजनेस की बात करें, कंपनीज की बात करें, या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें, सारे काम ठप पड़ गए। लेकिन इन सारों चीजों में से एक काफी चौंका देने वाला किस्सा सामने आया है और लोग उसको सुनने के बाद भी काफी ज्यादा हंसी हंसी उस चीज को अपने अंदर ही समेट कर याद कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उन अभिनेत्रियों के बारे में जो लॉकडाउन का फायदा उठाई और लॉकडाउन में वो जो है प्रेग्नेंट हो गई। मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन के दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई और अब कुछ ही दिनों में उनके बच्चे होने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनके बेबी बम्प जो है वो नज़र आ रहे हैं और पब्लिकली इस न्यूज़ को लोगों के बीच चलाया जा रहा है और कई सारी ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिसको लेकर कई सारी एक्ट्रेसेस बेबी बम्प में बाहर टहलती नज़र आ रही हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी अदाकाराएं हैं, कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जो कि लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर प्रेग्नेंट हो गई हैं और अपने बेबी बम्प के साथ घूम रही हैं और कुछ ही दिनों में वो बच्चे की माँ बनने वाली हैं। तो देर नहीं करते हैं, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट को। सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी आम लोगों से काफ़ी भिन्न होती है। सेलेब्स अपनी लाइफ को प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाते हैं, वह अपने काम को हमेशा पहले स्थान पर रखते हैं और पर्सनल लाइफ को लिस्ट में सबसे नीचे। कभी कभी प्लान होने के बावजूद भी सेलेब्स के कुछ काम रह जाते हैं, लेकिन महामारी में हुए लॉकडाउन में कुछ अलग ही देखने को मिला, जिसे सुन आप भी काफ़ी हैरान हो जाएंगे। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ये किया दो नहीं बल्कि कई अभिनेत्रियाँ ने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई है, जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्रीज तक की कई मशहूर अभिनेत्रियों का नाम शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी पांच अभिनेत्रियां हैं जिनके घर जल्द ही गुजरने वाली है किलकारियां। पहला नाम आता है अनुष्का शर्मा का। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल होता है अनुष्का शर्मा का। जी हाँ, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी अनुष्का 4 महीने प्रेग्नेंट है। इस बात की जानकारी खुद विराट ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी थी। उन्होंने अनुष्का के प्रेग्नेंसी के लिए गुड न्यूज़ शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा था कि अब वो 2 से 3 होने वाले हैं। जनवरी 2021 में उनके 2 से 3 होने वाले हैं। उन्होंने अनुष्का संग खुद की फोटो शेयर की थी, जिसमें अभिनेत्री अपना बेबी बम्प प्लांट करती हुई दिखाई दे रही थी। आपको बता दें कि 2017 में दोनों की शादी इटली में हुई थी। अगले नाम की बात करें तो वो नाम है कटरीना कपूर खान का। पटौती खान की दूसरी बहू करीना कपूर खान दूसरी मां बनने जा रही हैं। करीना और सैफ का बेटा तैमूर अली खान पहले ही लोगों की आंखों का तारा बन चुके हैं। जहां करीना आज 39 साल की हैं, वहीं सैफ 50 साल के हैं। 16 अक्टूबर 2012 को शादी की थी। वहीं तैमूर का जन्म 20 दिसंबर 2016 को हुआ था। लॉकडाउन के बीच ही बेबो ने अपने फैंस को यह खबर दी थी, जिसने सबको हैरान कर दिया। वहीं दोबारा पिता बनने की खुशी में सैफ ने एक बयान देते हुए कहा कि असल में यही सही उम्र होती है पिता बनने की। आपको बता दें कि सैफ अली खान चौथी बार पिता बनने जा रहे हैं। अगले नाम की बात करें तो वो नाम है अमृता राव की। फिल्म इश्क विश्क से सैकड़ों युवाओं को अपनी मासूमियत का दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस अमृता राव ने भी लॉकडाउन के बीच मां बनने की खबर की पुष्टि की है। कुछ समय पहले वो अपने पति अनमोल संग एक अस्पताल के बाहर स्पॉट हुई थी, जिसमें उनका बेबी बम्प साफ दिखाई दे रहा था। वहीं कुछ समय पहले उन्होंने रेड साड़ी पहने अपने बेबी बम्प प्लांट करते हुए एक वीडियो साझा की थी, जिसके बाद उनके फैंस उन्हें बधाई देते हुए दिखाई दिए थे। अगले नाम की बात करें तो वो नाम है अनिता हंसनंदनी। लॉकडाउन में मां बनने की खबर बॉलीवुड से ही नहीं आई है, बल्कि टीवी इंडस्ट्री की कई जानी मानी अभिनेत्रियों ने भी गुड न्यूज़ दी है। यह है मोहब्बतें फेम एक्ट्रेस शगुन शर्मा। अनिता हंसनंदनी ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने मां बनने की खबर की पुष्टि की है। उन्होंने अपने पति रोहित रेड्डी संग एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने डेट के समय से लेकर प्रेग्नेंट होने तक की जर्नी को दिखाया था, जिसके साथ ही उन्होंने मां बनने की गुड न्यूज़ को अपने प्रशंसकों संग
शेयर की थी। अगले नाम की बात करें तो वो नाम है पूजा बनर्जी का। देवों के देव महादेव फिल्म एक्ट्रेस पूजा बनर्जी के घर भी जल्द नन्हे मेहमान की एंट्री होने वाली है। वैसे पूजा की यह लॉकडाउन काफ़ी बेमजेदार रहा है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से उनके परिवार के ही एक्टर कुणाल वर्मा संग कोर्ट मैरिज करनी पड़ी, जिसके बाद कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने मां बनने की खबर को भी सबके साथ साझा किया था। इसी के साथ पूजा ने यह भी बताया कि वह जल्द ही पूरे रीति रिवाज के साथ एक बार फिर से कुणाल संग शादी करेंगी, जिसमें उनकी माँ और करीबी रिश्तेदार भी शामिल होंगे। तो देखा आपने, ये कुछ एक्ट्रेसेस थी जो कि लॉकडाउन के दौरान अपनी शक्ति को बरसी और अब जो है वो कहीं ना कहीं एक बच्चे की माँ बनने वाली है और पब्लिक डोमेन में भी उनकी खबर जो है ये आ चुकी है। आपके इन हीरोइनों को लेकर क्या विचार है, आप इन हीरोइनों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.